यहाँ पे स्क्रीन पे देख ही चुके हैं, मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपसे कहूँगा भी नहीं कि मुझे सब्सक्राइब करें, थम्स अप करें, वीडियो शेयर करें या एक्स्ट्रास। मेरा मोटिव के लिए इतना है कि ये आप किसी तरह से अच्छा बेहतर स्कोर कर सकें। बात करते हैं SSC MTS 2019 की। जैसा कि आप देख रहे हैं, स्टार्टिंग डेट इसकी हुई थी 24 अप्रैल, एग्ज़ाम डेट 24 अगस्त से 6 अगस्त के बीच चला था। आंसर की इसकी 6 से 12 सितंबर के बीच आ गई थी, और कुछ पेपरों का पेपर कैंसिल हुआ था, तो री एग्ज़ाम डेट आई थी इसकी 3 से 10 अक्टूबर के बीच में, और रिजल्ट जो अवेलेबल हुआ है वो 5 नवंबर के बीच आया। जो पेपर सेकंड की डेट है, जो ऑफिशियल है, उस ऑफिशियल पे 17 नवंबर को दिखा रहा है पेपर सेकंड की डेट, और जो अदर साइट्स हैं उसमें 24 नवंबर को दिया गया, और SSC ने खुद नोटिफाइड किया है कि 24 नवंबर को ये डेट अपडेटेड हुई है। तो अगर 24 नवंबर को मान कर चलें तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ 11 दिन है। 11 दिन में स्ट्रेटेजी आपको क्या अपनानी है कि बेहतर स्कोर कर सकें, उसके लिए मैं आपको स्ट्रेटेजी बताता हूँ कि आपको कैसे MTS का इसे क्लियर करना है। देखिए फ्रेंड्स, मैं 2018 में SSC MTS का पेपर दे चुका हूँ, ACE के में जा चुका हूँ, और मेरे वहाँ पे 50 में से 43 नंबर स्कोर हुए थे। और जहाँ से आप देख रहे हैं कि जो ACE है और लेटर, दो ऑप्शन होते हैं आपके पास, या लेटर लिखें या ऐसे लिखें। अगर ऐसे लिख रहे हैं तो आपको 250 शब्द लिखने पड़ेंगे 30 मिनट के अंदर, जो 50 मार्क्स का होगा, और मिनिमम पासिंग मार्क्स जो होते हैं इसके 17 नंबर पे होते हैं। हालांकि मेरे उसमें 43 नंबर आए थे, और अब 22 लैंग्वेज में से किसी भी लैंग्वेज को सिलेक्ट करके आप उसका ऐसे या लेटर लिख सकते हैं। लेटर की बात करें तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है उसमें, फॉर्मल इनफॉर्मल के पैसेज, कॉमास और संबोधन, ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं। तो मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप ऐसे लिखें। ऐसे लिखने पे आप अपने भाव जोड़ सकते हैं, इससे आपकी जो ऐसे कमांड है वो अच्छा इफेक्ट करती है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कैसे आपको करना है, और इसके लिए मैं आपके दूसरी वीडियो बनाऊंगा और आपको टॉपिक्स तो भी दूंगा जिससे आप बेहतर से बेहतर स्कोर कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।